हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, और आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी थी, मैंने आपको पहले करवा रखा है। लेकिन इन केस आपको फुल क्वेश्चन में आ जाए तो आपने उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है हिडन गुडविल के लिए, आपको समझाने के लिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम कर रहे हैं दो तीन लेक्चर्स में से। तो इसमें क्या है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज एट अंडर। उसमें हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, और ऑन द अबव द पार्टनर डिसाइड टू एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखिए आप पॉइंट नंबर थर्ड देखेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलो ये तो हमने पहले भी किया है, लेकिन साथ में ही हमें क्या गिवन है, दे फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड मेड बाई हिम टू द फर्म। मतलब जो अंशु अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है या आ रही है, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो अंशु कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, 32,000 कैपिटल लेकर आ रही है, और उसका शेयर कितना है, 2/10। तो हमने इसे अब कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अंशु कैपिटल लेकर आ रही है 32,000, मैं एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर, और उसका शेयर है 2/10। तो इसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा, 32,000 इंटू 10/2, मतलब हमारा आ जाएगा 1,60,000। इसमें से हमने क्या करना है, एक तो सबसे पहले हमने अंशु की कैपिटल माइनस कर, हमने अंशु की कैपिटल माइनस की तो हमारे पास आया 1,28,000 अंशुज कैपिटल। एंड नंबर सेकंड, हमने दीपिका एंड राजश्री की कैपिटल बी माइनस करनी है, लेस दीपिकाज कैपिटल। उसके बाद हमने लेस करनी है राजश्रीज कैपिटल। लेकिन उसमें हमने कैपिटल कौन सी माइनस करनी है, हमारे पास एक तो कैपिटल जो बैलेंस शीट में गिवन है 48,000 जब हम एक कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में, हमने वो वाली कैपिटल माइनस करनी है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमने जो न्यू कैपिटल कैलकुलेट की होती है, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया होता है, हमने वो वाली कैपिटल यहां पर माइनस करनी है, और कोई कैपिटल मतलब ये वाली कैपिटल हमने माइनस नहीं करनी। लेकिन इसकी जगह पर हमने कौन सी कैपिटल माइनस करनी है जो हमने नई कैलकुलेट की है। तो हम नए कैपिटल अकाउंट में क्या डालते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं दीपिका एंड राजश्री के लिए। दीपिका राजश्री एंड नया पार्टनर आया अंशु, DRA, पर्टिकुलर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो कितना गिवन था हमें, 48,000 दीपिका का, 40,000 हमारे पास राजश्री का, और बाय कैश अंशु कितनी कैपिटल लेकर आई, 32,000 इतना तो हमें पता ही है। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस लेना होता है, जो कि हमारे पास
हमने अभी रिवॉल्यूशन नहीं बनाया, लेकिन मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना करके मैं यही रिवॉल्यूशन का आंसर अपने आंसर में से ले लेता हूं। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो कितना है, 17,800। नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन के एंड में गिवन है 17,800। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने उनको रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी देना है, तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ओल्ड रेशियो में। उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2, एंड न्यू रेशियो कितनी है, 5:3:2। तो मैं इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कितना, 17,800 को। तो 17,800 का जब मैंने 3/5 किया तो मेरे पास आया 3 3 5 15 2 28 25 3 30। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 300 10,680। और दूसरे पार्टनर का कितना आ गया मेरे पास, 70,120 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को शेयर करके। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं गुडविल, वो हमने कैलकुलेट करनी है अभी, लेकिन उसके बिना हम और क्या देखते हैं, कोई रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी बैलेंस शीट में अगर गिवन होगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन नहीं गिवन है तो मैंने कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, और क्योंकि हमारे पास है नहीं तो मैं इसका ही एक रफली वर्किंग नोट में, जा मैं बोलूँ अगर कि इसे मैं रफली एक बार कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे पास कितना बन गया, 48,000 प्लस 10,680, तो 58,680 दीपिका का शेयर बन गया। तो मैंने यहां पर माइनस करना है। उसके बाद आया मेरे पास राजश्री का, ये बन गया 47,120। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो मैं माइनस करता हूं 2 3 9 6 69,320। उसके बाद मैंने इसे भी माइनस किया, 0 0 2 2 2 22,200 हमारे पास क्या आ गई, फॉर्म्स गुडविल आ गई। हमारे पास क्या आया, ये फॉर्म्स गुडविल आई, और साथ में ही इस गुडविल को हम कौन सी गुडविल बोलेंगे, हिडन गुडविल। मैं अपने टॉपिक को रिपीट करता हूं, मैंने इसमें क्या कैलकुलेट करना था, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा कि हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है लेकिन क्वेश्चन में कहां पर गिवन है, तो मैंने आपको स्टेटमेंट में दिखाया कि अब हमें वहां पर गिवन था कि कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने गुडविल लेकर आनी है, या गुडविल हमने कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, नए पार्टनर की कैपिटल के साथ नए पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल किया, मतलब मैंने एक बार सबसे पहले टोटल कैपिटल या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोल लो आप इसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोल लो, मैंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से मैंने तीनों की कैपिटल माइनस करनी है, नए पार्टनर की भी और ओल्ड पार्टनर्स की भी। तो नए पार्टनर की कैपिटल अंशु की मेरे पास डायरेक्टली गिवन थी 32,000, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कौन सी कैपिटल लेनी है, उनकी क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, जो हमने बैलेंस शीट में लिखनी है लेकिन बिना गुडविल वाली, मतलब जिसमें अभी तक गुडविल ऐड नहीं की हमने, वो वाली हमने कैपिटल लेनी है। तो मैंने वो वाली कैपिटल कैलकुलेट की सबसे पहले, कैलकुलेट करने के बाद मैंने दोनों की कैपिटल उसमें से माइनस कर दी, जो बैलेंस बचा वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया गुडविल। वो क्या आई हमारे पास, गुडविल आई, कौन सी, हिडन गुडविल आ गई। तो मैंने इसे बोला हिडन गुडविल, लेकिन वो किस पूरी की पूरी फॉर्म की गुडविल है जो हमने कैलकुलेट की है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो 22,200 × 2/10, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया शेयर हमारे पास 4,440, शेयर ऑफ अंशुज गुडविल। मैंने
जो अंशु ने गुडविल लेकर आनी थी मैंने वो कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई मेरे पास, 4440 रुपीज़। अब 4440 रुपीज़ किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आप सभी को पता है। हमने उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा हमने उस पार्टनर को ये गुडविल दे देनी है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वही है जो हमने पहले के लेक्चर्स में किया है, जो हमने पहले किया था कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन मैंने इसमें आपको थोड़ा सा छोटा करके करवा दिया क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़े बन रहे थे, तो थोड़ा सा छोटा लेक्चर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही आपको बताने वाला था हिडन गुडविल का, तो मैंने इसी वजह से सिर्फ हिडन गुडविल के पॉइंट के बारे में आपको बताया है। बाकी का क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने 3 लेक्चर पहले देखे हैं। मतलब हमें अब अगर आप क्वेश्चन को बुक में आंसर भी देखोगे तो हमें आंसर में भी यही दिया हुआ है कि हमें रिवैल्यूएशन का आंसर दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है और हमें बैलेंस शीट का आंसर दिया हुआ है। तो आपको भी वैसा ही करना है जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर हिडन गुडविल कैलकुलेट करने को आ जाए तो आपने कैसा करना है। तो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो देने वाला हूं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो आप देखिए नेक्स्ट में क्योंकि वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में आप ये भी मत भूलना कि 8 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने वाला है। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी में, अगर कुछ आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप मुझे कॉल करो या आप मुझे व्हाट्सएप करो या मेरी मोबाइल ऐप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा उस चीज़ का। और फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, आपकी हर प्रॉब्लम, हर कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।